अस्सलाम वालेकुम सामईन, मैं अलमरा आर्ट कौंसिल लाहौर की जानिब से सारंगी सेशन की तीसरी क्लास के सिलसिले में आपके सामने हाजिर हूँ। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, हमने चार नोट्स किए थे, सा रे गा और मा, खरज रिखब गंधार और मध्यम। हमने इसको आरोह आमरोह सेंडिंग डिसेंडिंग दोनों तरीक़ों में हमने देख लिया था इसको। आज हम अपनी तीसरी क्लास में कोशिश करेंगे कि हम आज सरगम को, सरगम का पहले आपको बताता चलूँ सरगम क्या है। सरगम मीन पूरे सेवन नोट्स, पूरे सेवन नोट्स को हम सरगम कहते हैं। तो जब आपने छः नोट्स या पाँच नोट्स अगर आप राग बजा रहे हैं तो आप उसको सरगम नहीं कहेंगे, पूरी सरगम नहीं कह सकते आप उसको। आपको बताना पड़ेगा, वेरीफाई करना पड़ेगा कि ये फलां राग है। तो अगर मैं बता रहा हूँ कि हम, क्योंकि हमारा राग भैरव का सेशन जा रहा है, तो हम सरगम मींस कि हम पूरे सेवन नोट्स आज कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह। तो लास्ट मैंने आपको बताया था कि आपने आइडियल करना है, आइडिया रखना है कि आपने मार्किंग कर ली, आइडियल मार्किंग कि जो फर्स्ट स्ट्रिंग होल है ये आप कर रहे हैं, सिक्स नंबर पर जो आपका छठा स्ट्रिंग होल है ये आपका गा और सातवां जो है वो माँ है। तो आज हम आगे चलते हैं। मैंने खुद नहीं कभी गिनने की जरूरत पड़ी तो आपके लिए गिनना पड़ रहा है। तो ये दसवें पे सातवां आठवां नौवां आपने एक फिंगर का गैप देना है, फिर आपको बता दें। तो पंचम जो है, अच्छा ये अलग अलग फिजिक्स भी हो सकती हैं, मतलब कि जो मेरी सारंगी की लंबाई और चौड़ाई है इस हिसाब से जो मेरे स्ट्रिंग्स होल्स हैं उसका जो मैंने अभी आपके सामने इसको काउंट किया गिना है, तो उसमें और आपकी सारंगी में फ़र्क भी हो सकता है। इसके लिए आपको करना ये पड़ेगा कि एक दफ़ा आपको ट्यूनर लें, गिटार ट्यूनर, और उसके साथ वेरीफाई कर लें कि आपकी ये नोट्स क्या हैं, क्योंकि आपने डी शार्प रे ई ऐसे आपने इंग्लिश में इसको ट्यूनर के साथ लिख लेना एक दफ़ा। फिर अपने जहाँ पे आ जाए आपका, जहाँ पे आपने उसको तलाश कर लेना या उसको खोज लेना है, तो जहाँ पे आपका नोट आ जाए तो वहाँ आपने इसको मार्किंग कर लेना है। तो ये मैं अपनी सरंगी के हिसाब से आपको मार्किंग भी करके दे रहा हूँ। तो ये फर्स्ट स्ट्रिंग होल जो है ये हमारा रिखब, सातवां जो है वो मेरा आ रहा है छठा स्ट्रिंग होल वो गा, सातवां जो है वो माँ, आठवां नौवां जो है वो तीवर मध्यम है जो कि हम इस राग में नहीं लगा रहे। तो हमारा दसवें पे बनता है पंचम। तो ये पंचम मैं लगा रहा हूँ अपनी रिंग फिंगर से। अच्छा, दुनिया में दो स्टाइल ऑफ प्लेइंग है, जिस वक्त स्टैंडर्ड टेक्निक है पूरी दुनिया में राइज, वो है थ्री फिंगर टेक्निक, इंडेक्स मिडल और रिंग। क्योंकि मैं अमृतसरी घराने से ताल्लुक़ रखता हूँ, मेरा उस्ताद हुसैन बख्श अमृतसरी मेरे दादाजी हैं, उस्ताद नत्थू खान साहब अमृतसरी, उस्ताद गुलाम, उस्ताद फ़कीर हुसैन साहब और उस्ताद अब्दुल मीत खान साहब और उस्ताद फिरो खान साहब, ये मेरे बुज़ुर्गों के नाम हैं जो कि हमारे सब कॉन्टिनेंटल के बहुत बड़े नाम हैं। तो हमारे ख़ानदान में अमृतसरी घराना, जस्ट इन आवर फैमिली वी यूज़ द फोर फिंगर टेक्निक्स। तो क्योंकि मुझे आती यही है, मैंने सीखा यही है, तो मैं आपको भी यही कन्वर्ट कर रहा हूँ फोर फिंगर टेक्निक। तो ये आपका पा का नोट आ गया दसवें स्ट्रिंग होल के सामने, और वैसे ही आपने इसको प्रेस करना है, हल्का सा प्रेस करना है अपर नेल स्किन से, नेल से प्रेस नहीं करना। अच्छा, कई सरंगियों में ये मुझे शिकायत मिलती है, स्टूडेंट्स बताते हैं जी मेरे नेल पर आ रहा है स्ट्रिंग जो है वो मेरे नेल पर आ रही है, तो मैं नेल के साथ प्रेस कर रहा हूँ, तो ये बड़ा तकलीफ दे होता है बजाने के लिए कि आप उसको नेल से बजाएंगे तो इट्स वेरी पेनफुल फॉर यू, फॉर योर सेल्फ, सो बी केयरफुल। तो उसके लिए आपको इसको ना थोड़ा सा उसकी चौड़ाई, मतलब स्ट्रिंग और लकड़ी की चौड़ाई में अगर आप इजाफा कर लें तो आपकी फिंगर अंदर की तरफ चली जाएगी और आपकी जो तार है स्ट्रिंग है वो आपकी अपर नेल स्किन पे आ जाएगी। तो दसवें पे हमने किया पा का नोट। अच्छा, पा का नोट हमने कर लिया, तो अब पा के बाद जो हमने गा के साथ ऐसे नेचुरली माँ है ना, गा के साथ माँ भैरव में, तो वैसे ही जो कोमल धेवत या धा है
ये भैरव में पंचम के बाद वैसे ही नेचुरली लगता है, ये देखिए। देखिए ना, दोनों फिंगर्स बिल्कुल साथ हैं, जैसे गा और माँ की मैंने ऐसे नेचुरल बताया था, वैसे पा और धा की ऐसे नेचुरल साथ है। तो जब आपने दसवें पे पा लगा लिया इसमें के अलेवन नंबर पे, बल्कि आपको वहाँ से काउंट भी नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी नेचुरली आपकी रिंग फिंगर के साथ आपकी लिटिल फिंगर है, तो उसको आपने लगा ली। अच्छा, लिटिल फिंगर में एक मैं बड़ी टेक्निकली बात बता चलूँ, क्योंकि ये छोटी उंगली है, तो जब हम बाकी नोट बजा रहे हैं तो वो जब ये बजाएंगे तो वो आगे नहीं आती कई दफ़ा ना, लिटिल फिंगर आगे, तो उसके लिए आपको ना ये वाला एंगल करना पड़ता है हल्का सा, ये देखें ज़रा, ये एंगल आपको ना करना पड़ेगा हल्का सा ऐसे करके, ताकि वो एंगल के हिसाब से आपकी लिटिल फिंगर आगे आ जाए बाकी फिंगर से, क्योंकि आप बाकी आप लगा तो रहे नहीं, तो लिटिल फिंगर को आपने आगे कर लिया। तो ये देखें, पादा, इसके बाद जो नी का नोट है वो आप जो 15 ये स्ट्रिंग होल्स हैं वहाँ पे वो लास्ट देखें, लास्ट वाला 15वां नंबर जो है स्ट्रिंग होल, अब ये सेकंड लास्ट में आपका नी का नोट आ जाएगा। नी, तो ये सेकंड लास्ट स्ट्रिंग होल है, तो लास्ट में आपका आ गया लास्ट स्ट्रिंग होल है जो आपका, वो आ गया हमारा सा आ गए, तो हमने आज पूरे 7 नोट कर लिए। तो स्ट्रिंग्स होल के हिसाब से मैं आपको फिर एक दफ़ा मार्किंग करवा दूं। पहला स्ट्रिंग होल ओपन था हमारी सा, रे हमारा फर्स्ट स्ट्रिंग होल, छठा स्ट्रिंग होल हमारा गा, सातवां स्ट्रिंग होल मतलब गा के साथ बिल्कुल ही नेचुरली उसके साथ ही माँ, दसवां स्ट्रिंग होल हमारा पा, 11वां स्ट्रिंग होल हमारा धा, बल्कि पा जब आपने एक्यूरेट लगा लिया उसको बिल्कुल परफेक्ट लगा लिया तो धा में आपको परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं रहती, क्योंकि उसके बिल्कुल साथ आपने धा का नोट लगाना है। सेकंड लास्ट स्ट्रिंग होल जो है वो आपका नी का सुर बनता है, जो कि आपने जैसे हमने रे से गार्ड की तरफ स्लाइड किया था वैसे ही हमें धा से नी की तरफ स्लाइड करना पड़ेगा, ऐसे देख रहे हैं दा धानी, तो ऐसे आपको स्लाइड करना पड़ेगा और फिर लास्ट में आपका सा आ गया। तो सरगम आज हमारी पूरी होगी, हम सरगम आपको फिर सुनाते हैं। आज हमने आरोह और आमरोह सेंडिंग और डिसेंडिंग में पूरे 7 नोट्स राग भैरव के हमने कर लिए हैं। आपको स्ट्रिंग होल के हिसाब से मैंने इसकी मार्किंग बता दी है। अब मार्किंग में जाते दफ़ा तो आप इजीली जाएंगे, जब आप वापस आएंगे डिसेंडिंग में तो आपको थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होगी, क्यों कि मेंटली तौर पर हमने इसको शुरू में सीखा है ऊपर से नीचे की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ नहीं सीखा, लेकिन अगर आप इसको लिख लेंगे तो वापसी पे आपको फोकस ज़्यादा करना पड़ेगा, तो आपके सारे नोट्स ये भी कंप्लीट हो जाएंगे। तो आज हमारी अलम्ब्रा आर्ट काउंसिल लाहौर की तीसरी सारंगी क्लास अख्ताम को पहुंचती है, और इंशाल्लाह कल आपसे अलम्ब्रा आर्ट काउंसिल लाहौर की सारंगी की चौथी क्लास से आपसे मुलाकात होगी। आज के लिए मैं इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफिज़।